वो मेरा दोस्त है, सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म मुझे आए। कुछ इस तरह का एक हार्ड हिटिंग मैसेज लेकर आ चुके हैं याराज। जी हाँ, ये चार यारा आ चुके हैं आप सभी को एंटरटेन करने के लिए। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए यारा की, तो यारा का ट्रेलर आउट हो चुका है तिग्मांशु धूलिया की इस फिल्म में। दोस्ती के अलग अलग पहलुओं को दिखाया गया है। मैं बता दूँ, विद्युत जामवाल से लेकर अमित साध, विजय वर्मा और केनी बासुमत्रे, ये चारों ही लोग एंड स्पेशल, यू नो वेरी स्पेशल, श्रुति हसन भी इस फिल्म में नजर आने वाली है। सो ये पांचों लोग इस फिल्म में दोस्ती को जस्टिफाई करते, दोस्ती को दिखाते नजर आने वाले हैं। फ्रेंडशिप के ऊपर हमने काफ़ी फिल्म्स देखी हैं, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है, ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है। और दोस्ती में किस तरीके से लोग जान तक देने के लिए राज़ी हो जाते हैं, दोस्ती जब तक रहती है तब तक ठीक है, लेकिन जब अलग हो जाते हैं, सालों साल लोग बात नहीं करते, उसके बाद किस तरीके से एक रीयूनियन होता है, क्या कुछ मिस्ट्रीज होती हैं, दोस्त का साथ कैसे वापस निभाया जाता है, इस तरह की तमाम जो मैसेजेस हैं वो मुझे इस ट्रेलर में नज़र आए। एंड आई मस्ट से कि विद्युत जामवाल बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं अदाकारी करते हुए। और सिर्फ विद्युत जामवाल नहीं, बल्कि श्रुति हसन से लेकर अमित साध, विजय वर्मा और केनी बासुमत्रे, ये सभी लोग बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। और धमाकेदार डायरेक्शन की आप उम्मीद इसीलिए कर सकते हैं बिकॉज तिग्मांशु धूलिया की फिल्म है, और तिग्मांशु धूलिया हमेशा से ही बैंग ऑन फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ट्रेलर में हालांकि आपको ज़्यादातर डायलॉग्स जो हैं वो सिर्फ विद्युत जामवाल के नज़र आएंगे, बाकी लोगों को थोड़ा सा सस्पेंस में रखा गया है। सो अब दुनिया इन चार लोगों की दोस्ती से इन्हें याद करती है, चार लोगों की दोस्ती के लिए इन्हें जाना जाता है। इस तरह के कुछ एक धमाकेदार डायलॉग्स हैं फिल्म में। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंडशिप को लेकर अलग मुकाम हासिल करने वाली है ये फिल्म। जिस तरह का एक इम्पैक्ट आया है फिल्म का ट्रेलर देखकर वो मैं बता रही हूँ। सो वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड, Z5 पर ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। ट्रेलर आ चुका है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। आप लोग ट्रेलर ज़रूर देखिए और बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर। मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, मैं अपनी तरफ से डेफिनेटली इस ट्रेलर को 3.5 to 4 stars देना चाहूँगी, क्योंकि कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है। दोस्तों की कहानियाँ पहले भी देखी हैं लेकिन ये इंटरेस्टिंग लग रही है। आपको क्या लगता है आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।